भाई चावल कैसे किलो दे रहे हो? आईफोन आईफोन अबे चुप हो जा, अभी इसको रखते हैं और पूरा कट्टा ही खरीद लेते हैं। हाँ बेटा, ये चावल 400 रुपए किलो है। हाँ चाचा, 400 रुपए किलो, इतने क्यों महंगे दे रहे हो? मेरी बात गौर से सुनो, कट्टे ही आईफोन भी तो है ना, 400 रुपए किलो महंगा नहीं है, ले लेते हैं। अच्छा अंकल, अगर हम ये पूरा कट्टा खरीदे तो? बेटा ये कट्टा आपको 5000 का पड़ेगा। हाँ 5000 अंकल ज्यादा नहीं है? अबे तुझे बात समझ में नहीं आती, 5000 में कट्टे के साथ साथ आईफोन भी है, कम से कम 1,00,000 का तो होगा। ठीक है ले लेते हैं। बेटा ये क्या आपस में बातें कर रहे हो, अगर लेना है तो लो वरना जाओ, मेरा टाइम जाया क्यों कर रहे हो? नहीं नहीं अंकल, हम ले लेते हैं 5000 का। ये ले अंकल जी 5000। ठीक है बेटा ले जाओ। जी पहुंच गया। चाचा चौधरी बात कर रहा है आपसे। हाँ चौधरी साहब, जी आपका काम हो गया, लेकिन मैं भूल गया था, आप एक मिनट रुको। हाँ ठीक है अभी भिजवाता हूँ। दरअसल बेटा बात यह है कि ये जो आपने कट्टा लिया है ना, ये स्पेशल मैंने चौधरी के लिए मंगवाया था, इसलिए आपको दूसरे चावल दे देता हूँ, ये आप दे दो मुझे। चाचा आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? ये कट्टा हमने लिया है, आपको पैसे भी दे दिए, अभी ये कट्टा हम लेकर जाएं? नहीं बेटा ये बहुत महंगा कट्टा है, ये स्पेशल चौधरी के लिए मंगवाया था मैंने। जितना भी महंगा है लेकिन हम खरीदेंगे, हम आपको पैसे और भी दे देते हैं, लेकिन ये कट्टा हम लेकर जाएंगे। बेटा आपने 5000 दिए, ये कट्टा 10000 रुपए का है, हम आपको और 5000 दे सकते हैं। निकाल पैसे, मेरे पास तो नहीं है। मेरे पास होंगे, एक मिनट, ये लो 5000। रुको बेटा चोलने तो दो, 10000 है या नहीं? ठीक है अंकल ठीक है। ये लो बेटा 100 के ज्यादा है, लेकिन ले जाओ। ठीक है अंकल ठीक है जाओ। दो हजार के चावल 10000 में बेच दिए, ऐसे होते हैं कारोबार। वाजी क्या बात है, अभी यहाँ पे रुक के आईफोन निकालते हैं। जल्दी से आईफोन निकाल, अभी आईफोन कहाँ गया? लगता है लग चुका है चूना हमें।